मंदिर के बिल्कुल यहाँ साइड में आप देखोगे इसके बॉर्डर पे, तो ये डिजाइनिंग स्ट्रक्चर आप देख सकते हो किस प्रकार से इसे उकेरा गया है, बनाया गया है। देखो ये देख सकते हैं इसके अंदर डिजाइन। इसका निर्माण 8वीं से 9वीं शताब्दी में राजा चौहान वंशीय चांद द्वारा करवाया गया था। ये देखो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी, स्वागत है एक बार फिर से नई वीडियो में। दोस्तों आज हम दिखाने वाले हैं आपको हर्षद माता का मंदिर, जो कि दौसा जिले में स्थित है और चांद बावड़ी के बिल्कुल अपोजिट में स्थित है। आज आपको दिखाने वाले हैं ये हर्षद माता का मंदिर, जिसका निर्माण 8वीं से 9वीं शताब्दी में हुआ था, चौहान वंशीय राजा चांद ने करवाया था। तो चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं पूरा मंदिर, हर्षद माता का मंदिर, और एंट्री करते हैं और फिर दिखाते हैं। से आप देखोगे तो ये एंट्रेंस गेट है हर्षद माता मंदिर का, और इसका निर्माण 8वीं से 9वीं शताब्दी में राजा चौहान वंशीय चांद द्वारा करवाया गया था। ये देखो, और इसके अपोजिट में ही ये बावड़ी है, 9वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था। यहाँ पे भी एक मंदिर है, आप देख सकते हैं हनुमान जी का, और इसके अपोजिट में ही ये एंट्रेंस गेट है। यहाँ से एंट्री जब हम लेंगे तो सामने ही है हर्षद माता का मंदिर। यहाँ पे आप देखोगे तो ये सीढ़ियाँ आप देख सकते हैं हर्षद माता मंदिर की, और यहाँ पे कुछ हिस्ट्री लिखी हुई है हर्षद माता मंदिर की, आप देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी लिखा हुआ है इस विशाल मंदिर का निर्माण चौहान वंशीय राजा चांद द्वारा 8वीं से 9वीं शताब्दी में करवाया गया था। तत्कालीन आवा नगरी आवा नेरी का शासक था, बाकी आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए, और इस मंदिर पर मुगलों द्वारा कई बार आक्रमण किया गया, इसको खंडर कर दिया गया, बिल्कुल तोड़ फोड़ कर दिया, बिल्कुल खंडित कर दिया गया। देखो काफ़ी चीज़ें यहाँ से टूटी हुई हैं। अभी ऊपर चलेंगे और हर्षद माता का मंदिर दिखाएंगे, बाकी अभी शाम भी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं, और काफ़ी टूरिस्ट आज आ रहे हैं, आज और कल का था यहाँ पे आवा नेरी फेस्टिवल, इस वजह से यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आ रहे हैं देश विदेशों से। ऊपर से जब हम एंटर करेंगे यहाँ सीढ़ियों से, तो कुछ ये शिलाएँ हैं और ये बिल्कुल खंडित कर दी गई। देखो ये देख सकते हैं, काफ़ी मूर्तियां थी वो भी खंडित कर दी गई यहाँ पर, और कुछ मूर्तियां थी यहाँ पे वो चोरी हो गई। यहाँ पे लक्ष्मी देवी की पूजा की जाती थी और उन्हें ही फिर हर्षद माता के रूप में पूजा जाता है। देखो इसीलिए इस मंदिर का नाम है हर्षद माता मंदिर। ये देखो, ये देखिए भाई, शाम का नज़ारा बिल्कुल ब्यूटीफुल नज़र आ रहा होगा आपको, और अभी ये पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता है मंदिर। ये देखिए, ये देख सकते हैं भाई कितना खूबसूरत मंदिर है, यहाँ से आप देख सकते हैं और यहाँ से भी आप देख सकते हैं, चारों तरफ यहाँ पे मूर्ति और शिलाएं पड़ी हुई हैं। इस मंदिर को काफी बार तोड़ा गया मुगलों द्वारा, ये देख सकते हैं मुस्लिम जो शासक थे उनके द्वारा इसको तोड़ा गया, तो इसका कुछ ही भाग बचा हुआ है, बाकी ये छत विछत हो चुका है, नष्ट हो चुका है। ये देखो, चलो एक बार ऊपर चलते हैं और ऊपर से भी आपको ये मंदिर दिखाते हैं। और मंदिर के बिल्कुल यहाँ साइड में आप देखोगे इसके बॉर्डर पे, तो ये डिजाइनिंग स्ट्रक्चर आप देख सकते हो किस प्रकार से इसे उकेरा गया है, बनाया गया है। देखो ये देख सकते हैं इसके अंदर डिजाइन, और ये फूल वगैरह बनाए गए हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं। आगे भी वहाँ पे मंदिर है शिव जी का, ये देख सकते हैं भोले बाबा का मंदिर है, और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ये जो आकृतियां हैं बनाई गई हैं। देखिए ये देखिए, ये देख सकते हैं चारों तरफ से हर्षद माता का मंदिर, और नीचे भी काफी यहाँ पर मूर्तियां और इसके मंदिर के जो भाग है वो पड़े हुए हैं, जो कि मुस्लिम शासकों ने इसे नष्ट किया था, तोड़ दिया था पूरे मंदिर को, इस वजह से यहाँ पर काफी मंदिर से जो मुगल शासकों ने तोड़े थे। देखो ये पूरा हर्षद माता का मंदिर है, ये देखिए वहां पे झंडे लगे हुए हैं। चलो एक बार ऊपर चलते हैं, ऊपर से भी दिखाते हैं, बाकी ये स्ट्रक्चर वगैरह भी आप देख सकते हैं चारों तरफ से। आगे चांद बावड़ी है स्टेपवेल, वो भी दुनिया की सबसे बड़ी और गहरी बावड़ी है। ये देखिए, ये मंदिर है, छोटा सा मंदिर बना हुआ है, और अभी यहाँ पर पूजा वगैरह चल रही है नवरात्र में। ये देखिए, और ये पिलर्स देखोगे आप तो इन पिलर्स पे आप देखो क्या डिजाइनिंग की गई है, कितनी मेहनत से इसे बनाया गया होगा। ये देखिए कितने मोटे मोटे और मजबूत पिलर बनाए गए हैं। देखो ये देखो, ये देखिए अंदर से भी बेहद मजबूत है ये मंदिर, ये देख सकते हैं। ये कुछ इस प्रकार के पिलर्स हैं, अभी काफी टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं। ये देखिए, नवरात्र में भी यहाँ पर पूजा चल रही है, और ये पूरा
अब अंधेरी गांव है साइड में, देखो ये देखो, ये मंदिर के पार्ट पड़े हुए हैं, जब इसे तोड़ा गया था तो जो इसके भाग है चारों तरफ पड़े हुए हैं। देखो ये कुछ इस प्रकार से साइड में भी आप देख सकते हैं आकृतियां बनी हुई है मंदिर के साइड में, और ये पिलर्स हैं देखो, ये देखिए ये इसका छत्र है ऊपर से मंदिर का, अंदर घंटी वगैरह लगी हुई है, अभी दर्शन करवाएंगे आप लोगों को। यहाँ पे चुगा वगैरह डाल रखा है पीछे, ये देखिए पूरा हर्षद माता मंदिर आप देख सकते हैं, चांद बावड़ी के बिल्कुल पास में ही है, बिल्कुल अपोजिट में, और 8वीं से 9वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था आबानेरी दौसा जिले में राजस्थान में ये स्थित है। देखो दोस्तों मंदिर के साइड में बिल्कुल चारों तरफ आप देखोगे तो हिंदू देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं और जो प्रतिमाएं हैं अंकित की गई है पिलरों पर और मंदिर के चारों तरफ में, और काफ़ी अच्छा इस मंदिर को बनाया गया है। इसका जो स्ट्रक्चर है आप देखेंगे तो यहाँ पे हिंदू देवी देवताओं की काफ़ी अच्छी अच्छी यहाँ पर आकृति और प्रतिमाएं बनाई गई हैं पिलर्स पे और मंदिर के चारों तरफ, और जो मुस्लिम शासक हैं मुगल शासक हैं उन्होंने इस मंदिर को कई बार नष्ट किया, इस वजह से ये थोड़ा ऐसे टूटा फूटा और खंडित पड़ा हुआ है। बाकी ये मंदिर आप देख सकते हैं, ये हर्षद माता का मंदिर है, यहाँ पर कोई भी चार्ज या शुल्क नहीं लगता है आपका, आप देख सकते हैं। और अभी यहाँ पर नवरात्र चल रहे हैं तो पूजा वगैरह हो रही है, देख सकते हैं, ये देखिए ये है दोस्तों हर्षद माता का मंदिर। आप आइए, दौसा जिले के अंदर स्थित है आबानेरी गाँव में, और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी इसके अपोजिट दुनिया की सबसे गहरी और बड़ी बावड़ी चांद बावड़ी, जिसका निर्माण राजा चांद ने करवाया था, ये देखो। और इस जो मंदिर है इसका निर्माण हुआ था 8वीं से 9वीं शताब्दी में, ये भी राजा चांद ने करवाया था, ये देखिए ये पूरा मंदिर है आप देख सकते हैं, और आ सकते हैं देखने के लिए। और यहाँ पर अलग अलग देशों से और राज्यों से जिलों से यहाँ पर सभी लोग आते हैं देखने के लिए मंदिर को, तो कुछ इस प्रकार का ये मंदिर है, देखिए बेहद ही खूबसूरत मंदिर है दोस्तों। ये देखो, और मंदिर के चारों तरफ आप देखोगे तो ये आकृतियां बनाई गई हैं हिंदू देवी देवताओं की, ये देखो साइड में रोटेट होके आप देखोगे तो ये मूर्तियां बनाई गई हैं, देखो पिलर्स पे भी बनी हुई हैं और यहाँ पे भी बनी हुई है, ये देखो। सो गाइज कैसी लगी है हर्षद माता मंदिर की वीडियो कमेंट करके बताएं, अगर आप चैनल पे नए तो चैनल कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर ले प्रेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।